हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुझे ऐसा वर दीजिए क्या आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए क्या आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है, गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। इंद्र भाग गया, देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। तीनों लोकों में सभी चलाचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भाई के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसकी पूजा करता है तू? तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, श्री विष्णु भगवान। जाओ उसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। अस्त्र काम नहीं करता तो
तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा तो यह अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका तुम? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें यह शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी, यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है, मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें, वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है। यदि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है तो आज न ये खम्भा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। कश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा, तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य, इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है, तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से, तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। नमो
हूँ।